तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो टीवीएस कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से इसे 2021 साल में ही एक न्यू बाइक 125cc के अंदर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टीवीएस राइडर 125। तो ये जो राइडर 125 है तो इसके ही बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं इसी वीडियो में। और ये जो आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है ना, तो ये एक क्विक रिव्यू वाला वीडियो होने वाला है इसी ब्लू कलर में ही टीवीएस राइडर 125 का। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। तो मैं हूं अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, इतने दिनों के बाद ये जो राइडर 125 है तो इसका एक दर्शन मिला हमें और इसी दर्शन में ही एक वीडियो भी बना डाला। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो राइडर 125 जो टीवीएस कंपनी की तरफ से भी जो न्यू आया है, मतलब इसी 2021 साल में ही, तो ये राइडर 125 इतना ज्यादा ही पॉपुलर है ना कि ये राइडर 125 जब भी शोरूम पर आता है तो तब भी ये सेल हो ही जाता है और कोई कोई कस्टमर तो आके प्री बुकिंग भी करके जाता है इसी बाइक का। तो इसी वजह से इस बाइक का दर्शन मिलना बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल वाला ही काम था। बाय द वे, ये जो राइडर 125 जो हमारे सामने है ना, तो ये एक ब्लू कलर में है और इसका नाम है ब्लू ही, मतलब कि टीवीएस कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी क्रिंजी वाला नाम नहीं रखा, ये सिंपल सा नाम रख दिया जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और ये जो ब्लू वाला कलर को भी आप लोग देख रहे हो ना, तो ये एक ग्लॉसी ब्लू वाला कलर है। और इसके अलावा जो इसी बाइक का ही ज्यादातर बाहर का जो बॉडी पार्ट है तो वो देखने को मिलेगा फाइबर में ही। बाकी इसी बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलने वाला है तो वो एक एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलने वाला है तो वो है 11.2 bhp एट 7500 rpm। और इसके अंदर वो जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलने वाला है तो वो है 11.2 nm एट 6000 rpm। बाकी इसी बाइक के अंदर आपको 5th स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलने वाला है तो वो एक 124.8 cc वाला एक इंजन है। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है तो वो 10 लीटर्स के ही एक कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। और ये जो बाइक अभी आप लोग देख ही सकते होंगे, ये एक डिस वेरिएंट वाला बाइक है और बाकी इसका एक ड्रम वेरिएंट वाला भी आता है अलग से। तो ये जो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे जो बाइक को, मतलब इसी वीडियो के अंदर, तो इसी बाइक के अंदर देख ही सकते होंगे सामने दिया गया है डिस्क ब्रेक और पीछे दिया गया है एक ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन। और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको SBT वाला सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है ब्रेकिंग सिस्टम में ही, जो कि आप लोग एक तरीके से मान सकते हो ये कॉम्बी ब्रेकिंग वाला ही सिस्टम के जैसा ही कुछ सिस्टम है। और बाकी इसी बाइक के अंदर आप लोग देख ही सकते होंगे जो मीटर कंसोल दिया गया है तो वो एक पूरा ही डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले के साथ एक मीटर कंसोल दिया गया है, जिसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स के ही साथ साथ इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं दो राइडिंग मोड। तो ये दो राइडिंग मोड में से एक है इको मोड और एक है पावर मोड। तो ये जो इको मोड है, जानते ही हो, इसी मोड के अंदर आपको सबसे ज्यादा माइलेज आपको देखने को मिलने वाला है। और ये जो पावर वाला मोड है तो इसके अंदर आपको इसी बाइक का ही सबसे ज्यादा, मतलब टॉप स्पीड देखने को मिलने वाला है, मतलब कि इसी बाइक का जो मैक्सिमम पावर है तो वो ही देखने को मिलने वाला है। और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको जो DRL वाला पोर्शन देखने को मिलने वाला है तो वो LED में दिया गया है। और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको जो टर्न वाला इंडिकेटर देखने को मिलता है तो वो बल्ब के ही अंदर अंदर दिए गए हैं। तो मतलब कि इसी बाइक के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है तो वो LED और बल्ब के ही एक कॉम्बिनेशन में दिया गया है, मतलब ऐसा ही मान सकते हो। बाकी इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर और सामने देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और इसके अलावा देख सकते होंगे इसी बाइक का जो सीट दिया गया है तो वो स्प्लिट सीट में दिया गया है। और पीछे वाला जो सीट है, मतलब कि जो पिलियन वाला सीट है, तो उसी सीट के ही नीचे एक छोटा मोटा स्टोरेज टाइप कुछ दिया गया है। तो यही था कुछ मेन मेन इन्फॉर्मेशन इसी न्यू टीवीएस राइडर 125 का ही। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।